शांति। आज हम दानी, महादानी और वरदानी अवस्था पर विचार करेंगे। इसमें विशेष वाणी द्वारा कौन सी भावना के द्वारा सेवा करें जिससे महादानी वरदानी अवस्था बन जाए। आपके कौन से संस्कार हैं? देवता कौन हैं? और संगम पर क्या हैं? भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा क्या बांटा? स्वयं प्रति किस चीज को कम यूज करें, बेहद ही सेवाधारी बनेंगे तो क्या होगा? दाता के बच्चे सबको क्या दे सकते हैं? वरदानी स्थिति द्वारा सेवा करने के लिए पहले क्या धारण करना पड़ेगा? आइए इन सब बातों पर विचार करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विशेष वाणी द्वारा सेवा करने के साथ साथ मनसा अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सेवा करो। यही है महादानी वरदानी अवस्था यानी स्थिति। आपके अनादि, आदि और अविनाशी संस्कार दातापन के हैं। देवता अर्थात देने वाले, संगम पर मास्टर दाता हो, आधा कल्प देवता रूप से देने वाले हो। द्वापर से आपके जड़ चित्र देने वाले देवता कहलाते हैं। तो दातापन के संस्कारों वाली हे संपन्न आत्माएं, शहंशाह के बच्चे अब महादानी वरदानी स्थिति में स्थित रहे, महादान और वरदान दो। आपके भाई अल्पकाल की इच्छाओं में भटक रहे हैं, इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल माफिक फंसे हुई आत्माओं को आप महादानी वरदानी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। उन्हें श्रेष्ठ शान की स्मृति दिलाओ कि आप ईश्वर के बच्चे हो, सर्व प्राप्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्मृति दिलाकर उनकी सर्व परेशानियां समाप्त करो। जैसे भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, ऐसे आप ब्राह्मण बच्चे भी महादानी बन भाग्य बांटते रहो। जिसे भाग्य प्राप्त हुआ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। ऐसे एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे, उसे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब कुछ है। स्वयं प्रति सर्व खजानों को कम यूज करो, सेवा के प्रति अधिक, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात एक से सौ गुना जमा करना। वर्तमान समय के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का
समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। राग दिल से उदार चित होकर प्राप्ति के खजाने बांटते जाओ। उदार चित बनने से स्वयं का उद्धार हो जाएगा। सबसे बड़े से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना ही महादानी वरदानी स्टेज है। किसी में कोई भी शक्ति की कमी हो तो अपने सहयोग से उसे भर दो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश दो। बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव करने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क द्वारा रूहानी संपर्क में लाने का सहयोग दो। यह सहयोग देना ही महादान है। वरदानी स्थिति द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। अब संतोषी माँ बन अपने पुकारते हुए भक्तों को संतुष्टता का वरदान दो। संतुष्टता व संतोष ही सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है, यानी वहाँ प्राप्ति ही प्राप्ति है। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं हो तो करोड़ करोड़ नहीं। तो ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख शांति पवित्रता व ज्ञान की अंजलि दो। ओम शांति।